सुखविंदर सिंह करदे आ ब्रांडेड कपड़िया तो परहेज, उन्हां नूं पसंद नहीं ब्रांडेड कपड़े। खैर छड्डो जी कपड़ियां दी, असीं अज गल करन जा रहे हैं जी। सुखविंदर सिंह जी भी अजकल कपड़िया नूं लैके काफी चूसी होए पे है जी। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैंने ब्रांडेड कपड़े पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद। जो तुसी जानते हो कि सुखविंदर सिंह ने काफ़ी ही सी वधिया वधिया सोहने सोहने सानू गाने सुनाए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हिट भी हुए उन्होंने गाने। लेकिन उन्होंने अज तक कभी भी रियालिटी शो के नहीं देखा गया। लेकिन उन्होंने कहना सीगा कि मैं खुद नहीं पता कि मैं रियालिटी शो के क्यों नहीं बुलाया जाता। खैर उन्होंने जी ये गल परे नूं करके वो आ गए कपड़िया दे उत्ते, ते उन्होंने कहा उन्होंने पसंद नहीं ब्रांडेड कपड़े, वो पाना ही नहीं चाहते ब्रांडेड कपड़े। उहदा रीज़न मैं तुहानूं दस्सदी हाँ, मैं इसलिए हस रही हाँ क्योंकि मैनूं रीज़न पता है उन्होंने क्यों नहीं पसंद ब्रांडेड कपड़े। जे मैं तुहानूं दस दूँ कि वो लंदन दे विच गए सी कॉन्सर्ट करन, ते उन्होंने शॉपिंग करन लई लंदन दियां गलियां घूम रहे सीगे, ते उन्होंने दिखी एक शॉप जिहदे उत्ते मतलब उन्होंने जैकेट बड़ी ही पसंद आई सी। मतलब शॉप के अंदर गए तो उन्होंने देखी एक जैकेट जिहड़ी कि बहुत ही उन्होंने सोहनी लगी, पर वो बहुत ही ज़्यादा महंगी सी। तो कुछ उन्होंने इंडियंस अपने फैंस उस शॉप से दिख गए, तो उन्होंने खिंचवाण लग गए तस्वीर, तो ना जाके भी उन्होंने सामने उन्होंने खरीदनी पई वो जैकेट जिहड़ी कि उन्होंने लग रही थी बहुत महंगी। तो उन्होंने कहा कि फैंस के कारण मैं तो नाप तोल भी नहीं कर सकिया, घट भी नहीं करवा सकिया, तो जिनी दी सी मैं उन्नी ही चकनी भी पई। तो उन्होंने कहा कि मतलब कॉन्सर्ट का अद्धा पैसा तो मेरे वो जैकेट के विच ही चला गया, मतलब इन्नी महंगी वो जैकेट सी बहुत ही ज़्यादा, कहते सत्यानाश होवे इदा दी जैकेट का जेडे कि मेरे इन्ने पैसे खा ले जी। उन्होंने कहना सीगा, मैं नहीं कह रही, ये वो कह रही है गल। तो उन्होंने कहा कि जैकेट इन्नी महंगी सी, मुंबई के आके भी वो कई शो के उ जैकेट पा के गए क्योंकि वो काफ़ी महंगी जैकेट सी। उन्होंने मीडिया के ट्रोल करना भी शुरू करता, तो कहते कई ने कहा कि लगता है कि सर जी को सिर्फ इक्को ही जैकेट है, वो जिते भी जाते उ जैकेट पा के जाते हैं, तो इस करके वो कहते कि मैं उस जैकेट में रखे अलमारी के अंदर तो कभी नहीं पाया फिर दोबारा क्योंकि मेरी होन लग गई सी इनसल्ट। तो हूँ वो कहें कि मैं सिर्फ 200 से 300 वाली ही टी शर्ट पाँगा, तो बहन बहुत खुश है, तो बदल बदल के टी शर्टा पाँगा क्योंकि रेट घट है ना, इस करके हूँ जी महंगी चीज़ें वो भी बार बार तो नहीं पा सकते क्योंकि साढ़े बॉलीवुड के अगर इक्को ड्रेस बार बार पाई जाए तो वह भी ट्रोल हो जाता, मतलब वो भी इंसल्ट की जाती है कि हाए इन्हों को सिर्फ इक्को ही ड्रेस है, देखो मेरा भी कुछ यही हाल है अज। मतलब ड्रेस के चक्कर से मेरा खुद का दुपट्टा बेचारा गिरिया फिरता है जी। इस तरह सुखविंदर जी भी कर रहे हैं कि मैनू सस्तियाँ चीज़ा ही पसंद है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सस्तियाँ चीज़ा पसंद है, मेरे वाल ना देखो मेरा सूट काफ़ी महंगा है। तो उन्होंने मैं दस दवा तो मैं तुम दसदा उन्होंने सस्तियाँ चीज़ा पसंद है, तो वो 200-300 वाली टी शर्ट पा के बहुत खुश है ताकि वो बार बार मतलब हर बार चेंज करते रहे जी। ये सुखविंदर जी की गल, तो इदा दिया होर भी फनी गल्लां सुनने वास्ते जुड़े रहो जीवी NRI Entertainment के नाल, मेरे नाल। सत श्री अकाल, गुड बाय।